कलेक्टर से बोला, सपने में राम दिखते हैं और फिर शहजाद बना संजू। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्म परिवर्तन का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति जिलाधिकारी के पास पहुंचा और कहा कि उसे सपने में भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसे अनुमति चाहिए ताकि वो धर्म परिवर्तन कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरेंद्र नगर के रहने वाले शहजाद राणा का ट्रांसपोर्टर का काम है। वह गुरुवार को अपने 6 साल के बेटे सुमेर के साथ कलेक्ट्रेट में पहुंचा। यहां वह अधिवक्ता सत्येंद्र धीरियान के साथ डीएम इंद्र विक्रम सिंह से मिला। शहजाद राणा ने डीएम को पत्र देकर कहा कि उसके पूर्वज हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन उसकी आस्था हिंदू धर्म में है। उसे सपने में भगवान राम दिखाई देते हैं, इसलिए वे बिना किसी दबाव और जोर जबरदस्ती के धर्म परिवर्तन करना चाहता है। यहां तक कि शहजाद राणा से अपना नाम बदलकर संजू राणा और बेटे का नाम सुमेर राणा से बदलकर शेखर राणा रख लिया है। वहीं डीएम इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि इस पर वे कुछ नहीं कह सकते, यह धर्म आस्था व्यक्ति का स्वैच्छिक अधिकार है। हालांकि शहजाद की पत्नी और बड़ा बेटा धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं है। बताया जा रहा है कि शहजाद से संजू नाम बदलने के बाद उसने कलेक्ट्रेट परिसर में ही स्थित मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसने बताया कि वह एसपी से भी मिला था, उसने कोतवाली में शपथ देकर धर्म परिवर्तन के बारे में अवगत कराया है। उसका कहना है कि अभी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है।